Hello guys, this is Krishna Lohan and welcome back to your own channel. Today I'm giving you a question about Rashtriya Chetna, iska Udaya aur iska Vikas. Dono question ek hi jagah hai, ek hi answer hai. Kisi bhi tarike se aa jata hai to same answer aapko yahan pe isme likhna hai. Yahan pe aap dekhiye, jaise hum sabse pehle isko define karenge ki Rashtriya Chetna hoti kya hai. Rashtra ki paribhasha ek aise samuh ke roop mein ki jati hai जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में यानी उनकी बाउंड्री सीमाओं एक देश में रहता हो. राष्ट्र की परिभाषा एक ऐसे समूह के लोगों के रूप में की जा सकती है जो एक ही भौगोलिक स्थिति में सीमाओं में एक ही देश में रहता हो, जो समान परंपराओं को पालन करता हो, समान हित उसके हों और समान भावनाओं से जुड़ा हो. तो ये क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना. ओके, अब इसके उदय के बारे में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उदय के बारे में देखिए, यहाँ पे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी एंडिंग में, यहाँ से उत्तरार्ध का मतलब आप यहाँ से समझिए, जैसे 1900 से हम यहाँ पे 2000 के बाद में यहाँ बात करेंगे, उत्तरार्ध होता है बिल्कुल एंडिंग वाला यानी 1970 या इसके बाद बाद का कुछ. ये जो है ईयर की डिजिट्स हैं, ये उत्तरार्ध कहलाती हैं. तो इनमें राष्ट्रीय भावना के विकास के परिणाम स्वरूप राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात किया गया था. 19वीं शताब्दी के एंडिंग में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किया गया था. किस लिए किया गया था? क्योंकि वो चाहते थे कि देश में राष्ट्रीय भावना का विकास हो. भारतीयों ने राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति पाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया. अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों ने राष्ट्रीयता की भावना के उदय के निम्न कारण थे, यानी अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना कैसे आई उसके निम्न कारण हम बताएंगे, और विकास किस तरह से हुआ ये भी इसी में सेम है. शोषणकारी आर्थिक नीति थी, समझ गए हो आप किसकी है? अंग्रेजों की थी. राष्ट्रीय चेतना का उदय विदेशी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए किया गया था. अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों से भारतीय कृषि परंपरा, उद्योग एवं हस्तशिल्प जो है नष्ट होने लगे थे. इन्होंने क्या किया था? आते ही शोषणकारी आर्थिक नीति है, टैक्स बढ़ा दिए थे या जितना सामान था ये विदेश में ले जाते थे, कच्चा माल वहां से प्रोडक्ट बनाकर यहाँ पर महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर जितनी भी चीजें कृषि से कच्चा माल आता था, परंपरा उद्योग थे जितने भी और जितनी हस्तशिल्प थे वो सारे नष्ट होने लगे. भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे इसमें परिवर्तन आने लगे, यानी कि अर्थव्यवस्था गिरने लगी. सबसे पहले यह परिवर्तन भूमि और कृषि व्यवस्था में आया. जमींदारी प्रथा थी वहां पर, रैयतवाड़ी प्रथा थी, कई सारी ऐसी योजनाएं जिनको आप जानते हो. दूसरा पॉइंट इसमें है, गांव की आत्मनिर्भरता को समाप्त किया गया, यानी गांव वाले जो कृषि के ऊपर डिपेंड रहते थे, अपना खर्चा खुद निकालते थे, शहरों के ऊपर उनको निर्भर नहीं रहना पड़ता था या किसी सरकार के ऊपर, तो इसको खत्म उन्होंने कर दिया. भूमि कर या लगान की राशि उनको उनके तरफ से बढ़ा दी गई. किसानों पर विशेष प्रकार की फसलें जैसे रुई जूट आदि उगाने का दबाव डाला गया कि आप अपनी कृषि को खाने पीने यानी गेहूं चावल को छोड़ के क्या करें, व्यवसायिक फसलें जो ज्यादा पैसा दिला सके मार्केट में उनकी आप खेती करना शुरू करें. ब्रिटेन के व्यापारियों के हित में भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया गया, यानी ब्रिटेन के व्यापारी कौन थे जो यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और प्रोडक्ट यहाँ बेचते थे, उनके चक्कर में इन्होंने क्या किया, भारतीय जितने उद्योग धंधे थे सभी को नष्ट कर दिया. भारत को कच्चे माल के उत्पादक के रूप में प्रयोग किया गया, यानी यहाँ से कच्चे माल के जो स्रोत थे वो सारे कच्चा माल वहाँ ले जाया जाता था. भारतीय हस्तकार और शिल्पकार ये सारे नष्ट हो गए थे, जितने कुटीर उद्योग थे. ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने चाय बागान, कोयला खानों और रेलवे बैंकों इन सब पर पूंजी लगा दी, कृषि को छोड़कर या किसी भारतीय जो हितों की क्या कहते हैं रक्षा करने की बजाय या भारतीय हितों को आगे पालना करने की बजाय उन्होंने क्या किया, ये चीजें जो मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दे रखी इन पर उन्होंने अपना पैसा लगाया. सेकंड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट के बाद, प्रशासनिक एकीकरण. अंग्रेज सरकार ने अपने हितों के लिए एक समान कानून और न्याय व्यवस्था स्थापित की, यानी सभी के लिए एक जैसा कानून, सभी के लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था, ये हमारे भारत में अभी अपनाई जाती है. हालांकि ये अच्छी व्यवस्था है लेकिन उस समय देखते हैं इसके साथ क्या हुआ था. एकीकृत व्यवस्था से लोगों में संपर्क बढ़ा, आजकल भी है, अगर न्याय में एकीकरण कर दिया जाता है तो छोटे बड़े जो भी अमीर गरीब है सबको समान न्याय मिलता है, हालांकि ऐसा कम ही होता है. राष्ट्रीय चेतना का विकास किया गया इस वजह से, क्यों? क्योंकि वहां पे एकीकृत व्यवस्था थी, एक जैसा न्याय और कानून वहां पे एक जैसा था.
फिर है इसमें यातायात और संचार के साधनों का विकास, रेलवे, मोटर आदि आधुनिक साधनों ने सामाजिक स्तर पर भारतीयों को एक सूत्र में बांध दिया, क्योंकि यहाँ से ज्यादा आवाजाही होने लगी, लोग आपस में जो है विचारों का आदान प्रदान करने लगे, और यही जो आवाजाही थी या साधन थे, ये अंग्रेजी सुरक्षा, अंग्रेजी शासन की सुरक्षा के साधन थे, क्योंकि वो उसी में आते जाते थे, वो पैदल कम चलते थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। किसने किया? रेलवे, मोटर आदि ने। तार, डाक आदि संचार के साधनों ने भी आदान प्रदान एवं राजनीतिक आंदोलनों में आधारित जितने भी कार्यक्रम होते थे उनको निश्चित करने में सहायता प्रदान की, यानी लोगों को सबसे ज्यादा एकता में यहां से बांधा गया है। जितने भी संसाधन यहाँ पे थे, चाहे वो रेलवे, मोटर थे या फिर तार व डाक थे। प्रेस और साहित्य की भूमिका क्या रही राष्ट्रीय चेतना को प्रभावी बनाने में? प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की, यानी पॉलिटिकल साइंस की वहां घर बैठे उनको शिक्षा प्राप्त होती थी। कैसे? अखबारों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा आर्थिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार किया गया। समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के मध्य जनतंत्र, जनता का शासन, प्रतिनिधि सरकार यानी एक सरकार, आजादी, स्वाधीनता आदि के विचारों का उन्होंने प्रचार किया। इसमें जैसे कि आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जो है भारत दुर्दशा, इसमें उन्होंने भारत की दुर्दशा जो कि अंग्रेजों के समय हुई थी उसके बारे में ये पूरा लेसन था। ये थी 1857 में जिन्होंने लिखी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भारत दुर्दशा, ये इसमें आप पॉइंट डाल सकते हो प्रेस वाले में। फिफ्थ पॉइंट इसमें है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय जैसे, स्वामी दयानंद जैसे, विवेकानंद जैसे जो लोग थे, उन्होंने ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त कर सामाजिक रूप से भारतीयों को एक करने का प्रयास किया। तो ये जितने भी इनके सोसाइटी थी इनकी, इसके द्वारा लोगों को एक करने का काम किया गया। फिर जातीय भेदभाव, ब्रिटिश सरकार की जातीय भेद की नीति जो कि वो मुसलमान, हिंदू मुसलमान के तौर पे लोगों को बांटते थे, उसके कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया था? घृणा पैदा हो गई थी, और यह देखा जाता था कि अंग्रेज अपने साथ बैठने के लिए भी भारतीयों को रेल के डिब्बे में अनुमति नहीं देते थे कि वो अलग से उनका अपार्टमेंट रहेगा। सेवंथ पॉइंट में आप लिखिएगा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन जिन्होंने ली थी भारतीयों ने, वो यूरोपीय राष्ट्रों ने समसामयिक राष्ट्रवादी आंदोलनों का अध्ययन किया, यानी उसमें हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों का उन्होंने अध्ययन किया, उनकी स्टडी की, उनके ऊपर रिसर्च की, और वे फिर किससे प्रभावित हुए, यानी वेस्टर्न शिक्षा लेने वाले भी राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रभावित हुए, और वे विदेशी विचारक गैरिबाल्डी, मैजीनी आदि से प्रभावित हुए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है लॉर्ड लिटन की नीति। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के कार्यों ने भारतीयों में असंतोष की भावना भर दी। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने 1877 में भयंकर अकाल के समय ही भव्य दरबार, दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य घोषित किया गया, और 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट भी पास किया, जिसके तहत क्या हुआ था, जितनी भी मतलब प्रेस की एक्टिविटी थी, अखबार वगैरह छापे जाते थे, मैगजीन पत्रिकाएं निकलती थी, वो सब उन पर बैन लगा दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन की ये नीति जो थी बैन लगाने वाली, वो भी लोगों के मन में आक्रोश पैदा कर गई। नाइन्थ पॉइंट में आप बताइएगा विभिन्न संस्थाओं की स्थापनाएं हुई जिससे भी राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके विरोध में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा मद्रास में, इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनमें भी जितने मतलब वहां पे जो सभाएं होती थी या जितनी भी मीटिंग्स होती थी, सब ने क्या राष्ट्र के प्रति अपने विचार प्रकट किए और अंग्रेजों का विरोध किया। लास्ट इसमें 10th पॉइंट है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आप लिखिएगा इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड रिपन ने 1883 ईस्वी में उसकी परिषद के विधि सदस्य यानी जो कानून बनाते हैं, पी सी एल्बर्ट ने एक विधेयक यानी एक कानून प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता था। ये क्या था? इस प्रस्ताव में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन मुकदमों का निर्णय देने का प्रावधान, यानी कि उनको
जो जितने भी इंडियन जजेस थे, जितने भी लॉयर या एडवोकेट थे, उनको यूरोपियन जितने भी केस थे उनको सुलझाने की इनको आज्ञा दी गई थी। किंतु यूरोपियन क्या थे, जिनके एक केस सुलझाते थे, वो इसके खिलाफ हो गए कि हम किसी भी भारतीय से अपना केस नहीं सुलझवाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो इल्बर्ट बिल विवाद, ये भी खड़ा हुआ था, किसी भारतीय से हम अपना केस नहीं लड़वाएंगे ना सुलझवाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप विकास यानी कि राष्ट्रीय चेतना का विकास अगर लिखना चाहते हैं तो ये सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लिख सकते हो। इसमें निष्कर्ष में आप डाल सकते हो राष्ट्रीय चेतना को उपर्युक्त जितने भी ये पॉइंट है, यानी उपर्युक्त जितने भी कथन है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना के उदय या विकास में बहुत सारे तथ्यों ने काम किया, जिसमें ऊपर लिखित बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हो।